नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक की जिसका नाम है श्रेष्ठा फिनवेस्ट। जी हाँ, बम्पर विस्फोटक रिजल्ट पोस्ट किए हैं और जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है 12% से ऊपर यहाँ पर कल ही कल भाग गया है। लेकिन केवल यही देखकर अगर आप शेयर को लेने चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देंगे तो सच में बहुत बुरा फंस सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पता है यहाँ पर सारी जेन्युइन जानकारी मिलती है और बहुत सारी जगहों से मैं आपके लिए डाटा इकट्ठा करके लेके आता हूँ ताकि आप अपना आकलन खुद भी कर सकें, आप किसी यूट्यूबर के भरोसे या किसी वीडियो के भरोसे ना बैठें। तो आप लोग गाइस प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है ये, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ मैं। अभी मैंने साला सर टेक्नो पे वीडियो डाला है, क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं इसके, और यहाँ पर 26,400 मिलियन की इनकी ऑर्डर बुक है, पेनी स्टॉक है ये भी। विकास लाइफ केयर पे डाला है, बहुत सारे रेमेडियम लाइफ केयर पे, बहुत सारे मैं वीडियोज़ यहाँ पर बना के डालता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह भी मैं शेयर करता रहता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, 30 मई को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उन रिजल्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा है गाइस, अभी हम लोग आगे प्रॉपर तरीके से देखेंगे और पिछले क्वार्टरों के कई क्वार्टरों के रिजल्ट्स हैं उससे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे। यहाँ पर अच्छी चीज़ फिलहाल ये है, पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेकिन फिलहाल अभी किसी ग्रुप में नहीं है, ना ASM में है, ना GSM में, और ना ही ESM में है। यहाँ पर देखिए, हाई लगा 1.34 रुपये का, लो लगा 1.17 रुपये का, ओपन हुआ था 1.23 रुपये पे। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें तो 20% का प्राइस बैंड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कामकाज की बात करेंगे तो आपको पता है कि लोन वगैरह देती है, फिनवेस्ट नाम से भी समझ में आ रहा है इसको, NBFC है एक तरीके से ये। मार्केट कैप की बात करेंगे तो मात्र 77.1 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप छोटा है। ROC की बात करेंगे 4.18, ठीक नहीं है। ROE की बात करेंगे 1.77, ये भी ठीक नहीं दिखता। प्रमोटर होल्डिंग शून्य, यानी कि जीरो है, कोई भी प्रमोटर नहीं है, पूरा का पूरा जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो जब प्रमोटर होल्डिंग नहीं तो प्लेज भी नहीं होगा कुछ। और डेट की बात करेंगे तो ठीक ठाक डेट है, यहाँ पर 49.7 करोड़ का डेट है, हालांकि रिजर्व भी हैं इनके पास 19-20 करोड़ के, वो भी हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन डेट फिलहाल ठीक ठाक है, जो कि डेट टू इक्विटी 0.37 बनाता है, एक से कम है तो भी चल सकता है। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी 1.19 रुपये है, जहाँ पर बिल्कुल उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है 1.33 रुपये। बुक वैल्यू से अभी सस्ता मिल रहा है आपको, 2.33 रुपये से 1.33 रुपये सीधा 1 रुपये सस्ता मिल रहा है। स्टॉक का पी आपको 44 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री का पी 19 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल से डबल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोग बात करेंगे हाई और लो की, तो यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई और लो, 1 रुपये का लो लगाता है और 1.5 रुपये का यहाँ पर आपने हाई लगाता है, और आज ही आज मतलब कल ही 1.33 रुपये पे क्लोजिंग दी लगभग 12% के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स। तो यहाँ पर सेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च वाले क्वार्टर में 5.64 करोड़ आई है, सारी वैल्यू करोड़ में है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 70 लाख की थी, तो तगड़ा जंप यहाँ पर सेल में देखने को मिला है। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 3.36 करोड़ की थी, तो वहाँ से भी आपको जंप देखने को मिला है। मार्जिन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 100% मार्जिन, 27 माइनस में यहाँ पर 67% था, और पिछले क्वार्टर में देखिए -632%, तो यहाँ पर मार्जिन सभी तक नहीं निकल के आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको 100% मार्जिन आया है, जिसके चलते यहाँ पर आपको बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अब नेट प्रॉफिट 5.06 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है, और जो कि पिछले क्वार्टर में देखिए 4.61 करोड़ का लॉस था, वहाँ से बम्पर यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 46 लाख का लॉस था, वहाँ से भी आपको एक तगड़ा जंप देखने को फिलहाल मिल रहा है। बाकी अदर सोर्स अदर इनकम यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है, है ना। ठीक है, ईयरली लेवल पे देखते हैं, सारी वैल्यू करोड़ में। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 12.75 करोड़ है, उससे पहले 2.75 करोड़, 2.30 करोड़, 4.72 करोड़, 4.16 करोड़, तो यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको बढ़िया सेल देखने को मिल रही है मार्च 2024 में। बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लॉस 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 पिछले कई सालों से इनको लॉस देखने को मिल रहा था, लगभग 4-5 सालों से, लेकिन यहाँ पर आपको 1.74 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में पोस्ट किया इसने, और अभी इस वाले क्वार्टर में तो आपने देखेंगे कि बम्पर इतने रिजल्ट पोस्ट किए ही हैं। रिजर्व्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 19.37 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जो कि देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर पब्लिक के पास है, और जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑपरेटर्स खूब झगाझग गतिविधियाँ करते हैं और आप लोगों को फंसाते हैं पंप एंड डंप करके। लास्ट में आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिख रहे हैं, 32,129 मार्च वाले क्वार्टर में है। नंबर ऑफ शेयर से कन्फ्यूज मत होइएगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किसके पास कितना है, ये सब की सब पब्लिक। देखिए यहाँ पर 2.5 करोड़ शेयर सब लोग लेके बैठे हैं, 4.3% शेयर सब लेके। जब ऊपर भागेगा उसका, जब ये डंप करेंगे एक साथ, तो फिर आप लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं। यहाँ पर देखिए है ना, सब पब्लिक है,
तो आप वीडियो को पॉज करके चाहे इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं किसके पास क्या क्या है। रिटर्न की बात करेंगे तो एक वीक में 14%, एक महीने में 8%, 3 महीने में 5, 6 महीने में 17 और 1 साल में 22% के बढ़िया रिटर्न दे रखे हैं इसने। बाकी 2 और 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो 6% माइनस और 46.8% माइनस। वॉल्यूम देखिए क्या तगड़ा जनरेट किया इसने, अचानक से बढ़िया वॉल्यूम आया रिजल्ट्स के बाद, या 20 लाख का वॉल्यूम इसने जनरेट किया। उससे पहले बृहस्पतिवार को 2 लाख का, 1 वीक का एवरेज 6 लाख है, 1 मंथ का एवरेज 3 लाख है, तो वॉल्यूम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं डिलीवरी पर्सन की बात करेंगे तो 86% 1 मंथ का एवरेज है, 1 वीक का एवरेज 80%, यस्टरडे यानी कि शुक्र बृहस्पतिवार को 82% के आसपास और 77% के आसपास डिलीवरी उठाई गई, लगभग 15 लाख शेयर लोग अपने घर लेके गए हैं शुक्रवार को। वहीं हम लोग बात करें अगर चार्ट के, तो गाइस आप देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, 1 रुपये की रेंज नीचे है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 1.5 रुपये की 2 बार 1.5 रुपये टच करके नीचे आया है। एक बार अगर ये 1.5 रुपये तोड़ देता है अगले 1-2-3 सेशन में तो फिर आपको फर्दर 2 रुपये के और 2.5 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, 1 रुपये का लेवल खैर नीचे तो है ही, 1 रुपये से नीचे आएगा तो फिर फर्दर हो सकता है और गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ गाइस, देखिए RSI आपको मजबूत देखने को मिल रहा है, 67.89 है। पेनी स्टॉक है, 77 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, पूरी की पूरी पब्लिक है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं इस तरह के स्टॉक्स, अगर आपको पैसा लगाना ही है इस तरीके के स्टॉक्स में तो हमेशा उतने ही पैसे लगाएं, जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, रात में आपको चैन की नींद आए। अपनी पूरी कैपिटल का 4-5% से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, ध्यान रखिए इस बात को, नहीं तो सच में बहुत बुरा फंसेंगे आप। तो आप लोग भैया इसमें उतना ही पैसा लगाएं, जितना खो जाए डूब जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन ना हो, क्योंकि पेनी स्टॉक है, किसी ना किसी रीज़न से ये पेनी स्टॉक्स होते हैं। नो डाउट नंबर तो बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं, इस तरीके से लगातार चलता रहेगा तो आगे भी जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपने पीछे, मैंने इसीलिए पूरा डाटा आपको दिखाया, पीछे कितने सारे लॉस थे, फिर लॉस एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, अगले फिर लॉस आने लगे तो फिर गिरावट होने लग पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से अभी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी नहीं है, जब कंसिस्टेंसी होती है प्रॉपर तरीके से तब फिर यहाँ पर सारी चीज़ें सही होती हैं। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जनरली मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, साफ साफ बोलता हूँ, गलत होने का अधिकार मैं रखता हूँ। आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।